अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाही वबरकातुहू। मैं राडुकाली अहमद बात कर रहा हूँ। मेरे खुशहाल टीवी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बेल की घंटी दबाओ। माशाल्लाह तबरकल्लाह। मैं दिखा ना, अभी देखो ऊपर से दिखाता हूँ यहाँ का प्लेस। ये देखो कैसा है, अच्छा लगता है ना। देखो माशाल्लाह तबरकल्लाह। रात दिन तेरी हो चली ठंडी हवा, बस तुमसे दूर हम हो गए ही यादों को बहारों में। खुशहाल टीवी मेरी लाइक एंड बेकन और लाइक की बिल की घंटी दबाओ ना। अब देखो मैं क्या करना, मैं क्या बोलना क्या नहीं बोलना, मैं अपने दिल की खुशी को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं राडुकाली अहमद बात कर रहा हूँ। मेरे खुशहाल टीवी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भाई लेकिन बिल की घंटी को दबाओ और दूसरों तक भेजो और कमेंट्स भी करो। माशाल्लाह तबरकल्लाह, बहुत ठंडी हवा आती है। दिल चाहता था बाशीगिरी के ख़ानदान से जुड़े हुए नवाब ख़ानदान से ही हम बोल के मैंने ये बड़े बड़े महलां देखने की तमन्ना थी। अल्लाह ताला मुझे मक्का मदीने के बाद और हमारे प्यारे प्यारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर माशाल्लाह तबारकल्लाह इतने प्यारे महल देखते मैं ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैंने ये भी देख दिया माशाल्लाह तबारकल्लाह। सबसे पहले ये देखो और ये देखो, ये महल देखो माशाल्लाह तबारकल्लाह। फर्स्ट ये देखो, फिर मैं बोलूँगा। अंबर पैलेस कहते बेटे ये देखो, खेले करने यहाँ क्या क्या करते थे पता नहीं। माशाल्लाह इतना बड़ा महल है, अल्लाह अकबर। ये महलों के अंदर ऐसा होता देख बेटे, माशाल्लाह तबरकल्लाह। ये देख बेटे यहाँ के बैठे हुए थे यार, रब्बुल आलमीन क्या बच्चे क्या हरारत है। मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, क्यों बोलो, ये देखने की चीज़ है। देखो बातें तो बहुत बार कर देते ही। ये यहाँ पे आके है ना, यहाँ पे है ना बाशीगिरी में आपको खाने पीने की चीज़ें, जारी बाजरा गेहूँ जाव हर चीज़ खाने पीने के मसाले की चीज़ें, मिर्चियाँ धनिया हर चीज़ सूखने डालने का, यहाँ खेलने का फंक्शन है, बड़े बड़े फंक्शन है, खेलने का करने का सब करते थे। और नमाज़ पढ़ना अच्छा बुरा सब होता था एक टाइम पर। देखो यार रब्बुल आलमीन, या अल्लाह कैसे ही बैठे हो तुम्हें, मेरे बच्चे हो मेरे चांद के टुकड़ो हो रखा। किसी की याद आती है, किसी की याद रुलाती है, किसी की याद आती है, किसी की याद रुलाती है, उसी की याद में हम भी जितना तड़प जाएगी, न रात दिन न सोचेगी, न दिन बदल न जाएगा, ये रात हो जाती है, किसी की याद आती है, किसी की याद सताती है। ये देखो अंदर का मामला ऐसा है, अल्लाह ये देखो देखो। ये ऊपर आने के बाद अंदर पर्सनल प्लेस है, एकदम पर्सनल प्लेस बादशाह का है, खेलने करने रानी जब खेलना पानी में सब खेलती थी, पानी नहाना करना तो वहाँ वो जगह पे इधर सब आको और रानी बुला ले जाना आना सब भी आको। सिपाहियाँ जो लड़कियाँ उसके पास घुमाते सब थे। ये चश्मा है पानी का, इसमें पानी अभी तो नहीं है। ये देखो ये उथल है कितना प्यारा है सजा हुआ। ये देखो माशाल्लाह तबारकल्लाह कितना अच्छा है। देखो देखो माशाल्लाह इसका बनावट देखो, बाशीगिरी में कितना प्यारा प्यारा है। देखो देखो यहाँ आकर रानियाँ खेलने कूदने बड़ा प्यारा था, मस्त रहता था। यार अभी देख देख थक चुके हैं हमें। ओके
आप देखे हुए ही माशाल्लाह तबारकल्ला, ये बहुत बड़ा महल है, इसे उतारने में इतना आसान नहीं है, पब्लिक ज़्यादा है, फिर भी पब्लिक पे पब्लिक टूट पड़ जाए। अभी संडे के दिन कितनी पब्लिक आती पता नहीं, आज तो मंडे है माशाल्लाह। मैं बहुत दिखाने के लिए ये महल अंबर पैलेस दिखाने के लिए मैं किया हुआ हूँ इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह, और एक बार अच्छे तरीके से मुलाकात करेंगे और मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मैं रायडुल अहमद बात कर रहा हूँ। मेरे खुशहाल टीवी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन बेल की घंटी दबाओ। देखो मैं कहाँ आ गया, पता नहीं अल्लाह कैसे कैसे बादशाह के महलों में, पुराने खंडलों में आके बढ़ गया मैंने। ओ माय गॉड, को देखो कितने कितने पुराने खंडाले ही है, अल्लाह अकबर, ये बादशाह कैसे बने थे। ये देखो, ये खुशहाल टीवी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, लेकिन बेल की घंटी के दबाओ। माशाल्लाह देखो बादशाहगिरी का ऐसा, पता है मैं कहाँ से देख रहा हूँ, मैं कहाँ से बात करूँ, पता है यहाँ से रानी फुला छनकती। और देखो खेलना कूदना ये है समझ रहे हैं, देखो ये ऊपर है माशाल्लाह तबारकल्लाह, क्या बात है, निगाहें छुप जाते हैं पर हम बोल नहीं सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक आ गई हैं। राजा जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्यार से हम नफरत करते हैं, क्यों? आपको क्या चाहिए बोलो, ये ना हम देने के लिए तैयार हैं। राजा जी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार कर कर को हीरे मोतियां जायदाद सारी दौलत गारत कर दिए। औरत के पीछे जाएंगे दुनिया गारत हो जाएगी। औरत बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है, समझो। बड़े बड़े बादशाह भी आकर गारत कर लिया अपनी दौलत को, समझे नहीं? ये तो कैसे कैसे गुबार संदरिया ही ये बादशाह ही, तो कैसे ही की हम कहाँ से आ जा रहे पता नहीं यार। देखो यार ये कौन सा महल, ये कहाँ आ गए हम, ऐसी कितनी खाने हैं, मना मैं देख सकता हूँ ना, फिर सकता हूँ ना, बोल सकता हूँ, इतना है यार, इतना है। ये गौतम है आपका नाम, हाँ ये गौतम भाई हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। मैं यहाँ महल में आकर खुद फिरता करता था, मेरे खुशहाल टीवी को बहुत सारा लोग देखते हैं यहाँ यूपी में आने के बाद, राजस्थान में या जयपुर में आने के बाद भी बहुत सारा लोग मेरा टेलीविज़न लाइक करते हैं, पसंद करते हैं माशाल्लाह। ये आके अभी देखो दोपहर में आपको यहाँ ड्यूटी करते ही, ये जाने के बाद खाने को भी दूसरा आदमी चेंज होकर आता है यहाँ पे, बहुत अच्छे इंसान हैं। भगवान से दुआ करता हूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये अच्छे रहना और इनके मम्मी पापा अच्छे रहना और दुनिया आकर सहना, खास तरीके से हम सबको भी अल्लाह सही रास्ते पर चलने की हिदायत देना और तौफीक देना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है। ये देखो आप भैया खुशहाल टीवी की तरफ से लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खुशहाल टीवी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो बोले और धन्यवाद भी बोलते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात, मैं रायडू काली अहमद बात कर रहा हूँ। मेरे खुशहाल टीवी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखो मेरे भाई मिले ही माशाल्लाह, मेरे टेलीविज़न बहुत पसंद भी करते ही, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं मालूम कि ये टेलीविज़न ये हमारा चैनल देखते, चैनल भी देखते हैं माशाल्लाह। हाँ गौतम भाई है, ये गौतम भाई ही माशाल्लाह, इन्हें मिली यहाँ पे आके अकबर पैलेस में मुझे मिले ही, इन्हों भी देखे आप और भाई भी देखे नीचे, वो भी सेल्फी उतारी फोटो उतारे ही माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से कितनी दूर पे है तुम्हारा बस्ती? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर से आते जाते रहते हैं। अच्छा आप क्या खाते हैं दोपहर में? एक्चुअली रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं? हम लोग बहुत मोटा हो गए यार, पता नहीं। रोटी खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी खा के आप इतना स्मार्ट पतले हैं, लेकिन हम बहुत मोटा हो गया। हम भी रोटी खाना पड़ेगा ना, इसको भी हंसा आ जाता है, सीधा सोते चीट बोलते हैं, हम लोग मोटे हो जाते हैं ना, इनको भी हंसा आ जाता है। गौतम भाई को बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करने के लिए, ओके जजाकल्लाह। ओके गौतम भाई हम चले अभी, हम लोग के लिए आप दुआ करो, आपके लिए हम दुआ करेंगे। ओके थैंक यू सो मच, धन्यवाद। पिंक सिटी, पिंक सिटी, पिंक सिटी का तो ओनली पिंक कलर मिलती है, अच्छी पूरा पिंक सिटी तमाम।
पूरी पिंक सिटी है, हाँ जयपुर की पिंक सिटी। जयपुर पिंक सिटी है ये पूरा। ये पूरा जयपुर का पिंक सिटी कहते हैं, बहुत बढ़िया है और बहुत बड़ा भी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। वाह क्या बात है, यहाँ के ऑटो बड़े अजीब ही माशाल्लाह जगह बड़े अजीब अजीब ऑटो है यहाँ। ये हवा महल है माशाल्लाह, ये देखो पिंक सिटी में जयपुर में आपका हवा महल है। वाह क्या बात है, 365 विंडो है लेफ्ट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड पूरे लेफ्ट साइड 365 विंडोज है। क्या बात है, मैंने कार में से उतारा सारा जयपुर की पिंक सिटी, अब उतरेंगे सब देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा यार, ये आवाज़ ही ज्यादा पता नहीं क्यों पता नहीं क्यों नहीं होते ना सिटी में। अच्छी बात, माशाल्लाह तबारक, महलो मेरे ये ना है, महलो में सोना है, रानी बन के जीना है, तू आ जा जयपुर। जयपुर देखो कैसे इतना प्यारा है ये पिंक सिटी, ये बहुत बड़ा पिंक सिटी है। मैं तो बहुत सारा छोड़ दिया मैंने पकड़ना भी, बहुत छोड़ दिया मैंने। मेरा सिरका बच्चू को से कोने आई सी चार बना एक सता थी पकड़ वो खींच को छड़ डालना क्या था मेरा जान, ये बेवार के बच्चों को मैं क्या करना बेटे पिंक सिटी म्यूजियम ये, इसके अंदर आपको बहुत बड़ी जानकारी है, जयपुर की हर जानकारी लेना है तो यहाँ आके इसके अंदर घुस के जाके देखने से पता चलेगा। ओके देखो माशाल्लाह तबारक अल्लाह, ये बहुत बड़ा म्यूजियम है, अंदर जाने का रास्ता है, देखेंगे इंशाल्लाह अंदर जाके। माशाल्लाह तबारक अल्लाह जयपुर का बहुत बड़ा म्यूजियम है, यहाँ आपको पहले पहले पुराने लोग सब कैसे जिए हुए हैं सब ये। बेटे मेरा सिर को गुंडू कर लेता हूँ आपसे कहा, ज़रूर गुंडू कलेक्ट कर तुम्हें हो सकता नहीं बेटे मैं क्या करता हूँ, मेरे बच्चे में दरवाजे देता सर मोबाइल बंद कर देना है, मोबाइल बंद कर देना है कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही वबरकातुहू, मैं राइडक अली अहमद बात कर रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को खुशहाल टीवी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरों तक भेजो, और बेल की घंटी को दबाओ इंशाल्लाह। यहाँ देखो ये जहल महल कहते हैं माशाल्लाह तबारक अल्लाह, जयपुर में ये जहल महल है देखो माशाल्लाह कैसा है। ये है जहल महल, इसके बारे में आपको बहुत कुछ माने निकलते हैं, यह पहले आपका नहीं है, ये बाशीगिरी ज़माने का ज़माने से माशाल्लाह। देखो ये पहाड़ी इलाका और ये देखो ये पहाड़ी इलाका, ये मौसम यहाँ और ये बादल है, ये नीचे पानी में जल महल गति से है। देखो कितना प्यारा खूबसूरत है, सुभान अल्लाह अच्छा लगता है ना, और बहुत ही प्यारा लगता है। और बोलते ना जिसकी यादों में हमने खो जाते ही उसी की यादें हमें बहुत तड़पाते ही, बस तुम्हार से दूर हमने खो जाते ही इसके बावजूद भी फिर भी तड़प तड़प के याद आते ही, याद मोहब्बत तड़पना ये हकीकत इंसानियत में इंसान में हो जाता है। पर हम किसी की यादों को लेकर अपने पास मन भरे हुए दिल से दुआ करते ही रहेंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखो जल महल कैसा है, ये जल महल के आसपास आपको यहाँ पे है, जल महल के दरी के पास आके यहाँ पे बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ रहता है, यहाँ पे लंबडोला का कपड़ा पहन के फोटो, तो कोई लोग ऐसा ऐसा सब करते रहते। अल्लाह सबको भी हिदायत देना, और म्यूजियम है सामने, अल्लाह सबको हिदायत देना और सबको भी ईमान के रास्ते पर चलने तो फिर अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। और अंदर भी बहुत कुछ पुराने पुराने महलें पड़े हुए ही माशाल्लाह तबारकल्लाह, सही मेरे दिल से दुआएं निकलते ही, सही मेरे दिल से दुआएं निकलते ही, सही तेरे जानदार तक मैंने पहुंचाते ही। अल्लाह पाक ने हमें रहम करे और हिदायत दे, और हमेशा के लिए हमें वही दुआ करते रहते हैं और ईमान के रास्ते में जी जी के मिल जाते हैं।
बेटे खेड़ा के बात करना छोड़ डालियो बेटे बलखो से भाई बेवार से बमड़िया में बिना वीडियो उतारने जो हथा है खा देखे तो कूर ब्यार कूर ब्यार कूर ब्यार इधर देखे तो आवाज ना उधर देखे तो आवाज अब आया फाइन लोग जाएंगे पाव भाई पे खाई क्या कहता है एक जना तो हां किसकी बात करको सुनना किसे कर बोल को देख को मर जाना बेटे मैं जो वीडियो उतारे से कहा है खबर बोले से कहा इसलिए मैं बोला ला से घर के ने छु जो वीडियो बनाने हो सकता नहीं हो सका तो बड़ा तू और बोल को ऐसी धाड़ी है बेटे यहां ये है जल महल जो खरीब से माशाल्लाह तबारकला कितना प्यारा लगता है या 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 अल्लाह 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 अकबर ये देखो ये जल महल सिर्फ पानी में रहता है समझे नहीं और मेरे दोस्त बोलते थे वो बचपन का जो गाते थे वो मुझे फेसबुक गा के बोल के जल महल के पास में जल महल के पास गा के सुना दो मेरे दोस्त को कैसे कहो कैसे बोलूँ पता नहीं मुझसे दूर हो तुमसे दूर मैं ऐ जाने वफा मुझको तेरी कसम मेरी यादों में तुम मेरे ख्वाबों में तुम ऐ जाने वफा मुझको तेरी कसम मेरी यादों में तुम मेरे ख्वाबों में तुम ऐ जाने वफा मुझको तेरी कसम याद आती है याद सताती है तुझसे दूर हो के मैं याद आती है याद सताती है तुझसे दूर हो के तो मैं तेरे बिना तो जीना दो ये तो दुश्वार हो गया मेरे ख्वाबों में तुम मेरी यादों में तुम ऐ जाने वफा मुझको तेरी कसम ये जयगढ़ का किला है नारगढ़ का किला है बाशगिरी कैसे चले हुए किला अमीर का किला ये पानी ये मौसम वाओ माशाल्लाह क्या प्यारा है माशाल्लाह बड़ा प्यारा है माशाल्लाह ये चिड़िया ये कबूतर ये चिड़िया वाओ टू मच पैसे यार जयपुर का बाहर ही है मालूम मालूम ये घोड़े कैसा जाते हैं कैसा राज करे ना माशाल्लाह ऊपर देख लेने का हमारा माशाल्लाह जयपुर के अमीर का महल राज जो किए हुए ये माशाल्लाह कितना प्यारा इतना खूबसूरत सुभान अल्लाह जैसा अभी गाड़ी पहाड़ चढ़ती है माशाल्लाह तबारक अल्लाह तो देखो कैसा है कि माशाल्लाह ऊपर तक सब इंशाल्लाह जैसा माशाल्लाह तबारक अल्लाह अंबर पैलेस है ओरिजिनल में सभी माशाल्लाह तबारक अल्लाह माशाल्लाह तबारक अल्लाह अंबर पैलेस को अब हम लोग चढ़ने जा रहे हैं माशाल्लाह सब देख लीजिए अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह सब इसलिए आपको दिखा रहे हैं हम लोग कैसा है क्या है अब आपको ये देखो माशाल्लाह तबारक अल्लाह और ऊपर से लेके देखो अंबर पैलेस का देखो देखो ये देखो लोग आ जाते हैं सब पुराने सदियों पुराने दिना बाशीगिरी जो चली हुई सब याद आती है समझे नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा घुमा फिरा हम भी देखा जयपुर का अंबर पैलेस का या मैंने और पिंक बाज़ार भी देखा अच्छा लगा मैं ज़्यादा क्या तो वीडियो पर उतारने इतना टाइम ज़्यादा नहीं है मेरे पास है फिर भी थोड़ा बहुत उतार के मैं मेरे दोस्तों के लिए डाल दूँ ओके जज़ाकल्लाह खैर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु ओके अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बरकत ये आपको राकेश भाई है हमारे माशाल्लाह यहाँ तो जयपुर में आपको अंबर पैलेस में मिले हुए हैं माशाल्लाह हमारा टेलीविज़न भी बहुत पसंद है ये देखो ये नो राकेश भाई है यहाँ कितने दिन से काम कर रहे हैं राकेश भाई इतने ही प्रतिम लगे हुए हाँ हाँ माशाल्लाह मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हर इंसान को अच्छा करे भला करे और अल्लाह की रहमत रहे और सही रास्ता दिखे हर मुश्किल को दूर करके शैतान को दुश्मन दूर करके हर माँ बाप को अच्छा रखे और ख़ास करके इसी हिदायत दे अल्लाह पाक करे सबको भी माशाल्लाह पुलिस भाई राकेश भी हमको बात किया है मैं अल्लाह से बहुत दुआ किया हूँ यहाँ के महल हैं माशाल्लाह यहाँ चलना फिरना
बहुत क्या तो बहुत अच्छा लगता है जयपुर में। सुभान अल्लाह, ये देखो माशाल्लाह तबारक अल्लाह कैसा है। अभी देखो ये देखो मिमी महल अंबर पैलेस बोलते इसे, बहुत क्या तो बहुत बड़ा है। देखो बहुत बाशिया, ये देखो यहाँ पे घोड़े हाथियाँ जो फंक्शन जो भी जंक्शन के साथ होता है तो यहाँ बादशाह निकलता है। तो बहुत प्यारा था ये प्लेस में देखो, माशाल्लाह तबारकल्ला। सदियों पुराने वो दिन वो पल मुझे याद आते हैं, हज़ारों साल पहले के, पर जवानी की धूम हवाओं में उड़ जाती है इस बादलों को देखकर। मुझे ये भी याद आता है कि मोहब्बत रंगीन जवानी पर डूब जाते हैं लोग, दुनिया में रंगीन में डूब के लेकिन अल्लाह को भूल जाते हैं। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ मेहरबानी करके कभी नमाज नहीं भूलना, कभी कुरान नहीं भूलना, कभी हदीस नहीं भूलना, ना किसी को धोखा देना, ना किसी को झूठ बोलना। अच्छाई की ईमानदारी सच्चाई की अल्लाह ताला हमेशा सच्चा ही तरीके से ही रख देता है इंशाल्लाह। उस पल वो दिन वो कैसा याद आते हैं पता नहीं मुझे। ओ माय गॉड, अल्लाह अकबर, इतना अच्छा है। ये देखो इस आसमान के नीचे यहाँ कैसे कैसे लोगों को सज़ा भी मिली है, कैसे कैसे लोगों का राज चला है, कैसे कैसे रानियाँ कैसे कैसे राजा ने यहाँ पर राज किए हुए हैं। ऐसे बड़े बड़े ख़ानदान यहाँ पे बाशीगिरी का हीरे मोतियों से जुड़े हुए महलों में और राज किए हुए हैं। मुझे ये भी याद आता हम भी ये नवाब ख़ानदान के जुड़े हुए हैं, जैसे बीजापुर के असली नवाब ही हमें। माशाअल्लाह पीढ़ी तो कहीं की फैल गई, कहीं से आके कहीं रुक गए, पता नहीं क्या कर सकते हो। बोलते नहीं हीरे की कीमत जो जानता है उसी को पता है, वो बैल कुछ मालूम नहीं सो मुरट दिए तो बैल के घंटे में बनावल गए, वैसी हालत रही। कभी कभी ऐसा था, हालात को पकड़ के, मौके को पकड़ के, इंसानियत को पकड़ के इंसान बन के चलना ज़रूरी है। और क्या खिस्सा, जाने दे अब जाने दे, हर कसम तोड़े कर, अब तो यूँ ही बस तुम्हें देखने दे, यही राजा महल पर, ये राजा महल पर तुम ही दूर हो गए, हम तो यहाँ फंस गए, क्या कहूँ क्या पता मुझको क्या हो गया। अरे यार ये देखो माशाल्लाह, ये देखो ऊपर रानी राजे जब वहाँ से बैठ के हुए, यहाँ नीचे सब खेलते करते थे ना, वो देखते थे वहाँ से सब राजा फटुल्लू कहते नहीं सिपाहियाँ वह सब इधर उधर सब।